जी दोस्तों, द जापान हाउस से शुजा हैदर नई एक्सरसाइज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। ये एक्सरसाइज हमने अब तक ग्रामर की 7 एक्सरसाइजेस की हैं, 8वीं एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं। ये सारा कुछ आपने पढ़ा हुआ है वीडियोस में, अगर आप मेरी वीडियोस सारी ग्रामर की देख रहे हैं तो ये सब चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं। लेकिन जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आता है, एग्ज़ाम का एक प्रेशर होता है, एक डिप्रेशन होता है आदमी को, कन्फ्यूजन होता है, तो वो जब आप जब एग्ज़ाम में कैसे अपेयर होते हैं, एग्ज़ाम में जब आप अपेयर होते हैं उस वक्त जो क्वेश्चन पेपर आता है वो किस तरह का होता है, ये आपके सैम्पल टेस्ट पेपर हम कर रहे हैं। 7 एक्सरसाइज हम कर चुके हैं, 8 एक्सरसाइज आज हम करने जा रहे हैं। इसके ये आप एक्सरसाइज जब मुकम्मल कर लेंगे, ये 20-25 एक्सरसाइज हैं, जब आप ये पूरी कर लेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि जापानी ज़ुबान का ग्रामर का टेस्ट कैसा होता है N5 का, और कितना आसान है। बहुत आसान है, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो बहुत आसान है, और नहीं पढ़ा हुआ तो बहुत मुश्किल है। तो ये सब चीज़ें आपको जब आप सारी ग्रामर आपने पढ़ी हुई होगी तो आपको बहुत आसान लगेगा। चलिए हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 8 ग्रामर टेस्ट की तरफ। जी दोस्तों, एक्सरसाइज नंबर 8 की हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। शिनबुन वा अमारी, शिनबुन का मतलब है अखबार, अमारी का मतलब है आलमोस्ट नॉट, यानी तकरीबन बिल्कुल नहीं। तो अमारी के बाद हमेशा नेगेटिव वर्ड आता है। योमीमास का मतलब है पढ़ता हूँ, योमीमासेन नहीं पढ़ता, तो योमीमासेन आएगा, नेगेटिव है। योंदे कुदसाई कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। योमीमाशो ये भी कोई सेंस नहीं बनता। अमारी का मतलब है तकरीबन नहीं, अखबार तकरीबन नहीं पढ़ता मैं। शिम्बू वा अमारी योमीमासेन, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। रियोको, रियोको का मतलब है ट्रिप, रियोको का मतलब है ट्रिप, यानी दौरा, कहीं घूमने के लिए आप जाते हैं उसको कहते हैं रियोको। रियोको वा दिश्ता का ट्रिप था। अब सवाल है, तो सवाल में दो दिश्ता का कैसा था, इत्सु दिश्ता का कब था, नाजे दिश्ता का क्यों था, दारे दिश्ता का, दारे का मतलब कौन था, तो कौन का तो कोई सेंस नहीं बनता। ट्रिप कैसा रहा, आपको ट्रिप से आता है आप उसे पूछते हैं कैसा रहा ट्रिप, तो रियोको वा दो दिश्ता का, तो दो सही रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। शिगोतो वा, सॉरी, शिगोतो ओ यासुमी मश्ता का, काम की छुट्टी की थी क्या, ब्योकी दत्ता करा देश, बीमार था इस वजह से, ठीक है। इसका मतलब है जब सवाल क्या होगा, जब जवाब आ रहा है कि बीमार था इसलिए, यानी सवाल ये होगा कि छुट्टी क्यों की थी, तो क्यों के लिए दोकोनो मतलब कहाँ का, कोई सेंस नहीं बनता। दोनाता का, दोनाता जो है दारे की पोलाइट फॉर्म है दोनाता, दोनाता का, दोनाता मतलब कौन साहब, कौन साहब का भी सेंस नहीं बनता। दोष थे क्यों, क्यों छुट्टी की थी, दोष थे शिगोतो यासुमी मश्ता का, क्यों काम की छुट्टी की थी, ब्योकी दत्ता करा दिस, बीमार था इसलिए। अच्छा जी, दोनों कुराई का मतलब तकरीबन कितना, दोनों कुराई तकरीबन कितनी छुट्टी की, कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। जवाब जो है बता रहा है कि सवाल क्या था, तो जवाब बता रहा है कि बीमार था इसलिए, यानी सवाल होगा कि क्यों छुट्टी की, क्यों के लिए आप दोषते लगाते हैं, दोषते मतलब क्यों। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 पे आए थे। सोरे वा डैश नो कुनी नो कित्ते दिस का, कित्ते मतलब स्टैम्प डाक टिकट, कुनी का मतलब ये कुनी की खांजी है, कुनी मतलब कंट्री, निहोन नो दिस, ठीक है। सवाल कर रहा है कि ये मुल्क का स्टैम्प है, और जवाब दे रहा है निहोन नो दिस, यानी सवाल ये होगा कि ये किस मुल्क का स्टैम्प है। तो ऑप्शन क्या है, सोरेवा दोरे नो कुनी, नानी नो कुनी, इत्सु नो कुनी, दोको नो कुनी, दोको नो कुनी, कहाँ के मुल्क का टिकट है, ये कहाँ के मुल्क का टिकट है, दोको नो कुनी नो कित्ते देश का निहोन नो देश, ये कहाँ के मुल्क का टिकट है, ये जापान का टिकट है, ठीक है। आए थे क्वेश्चन नंबर 5 पे। पाती देवा दोन्ना डैश ओ नोमी मश्ता का, जूस या कोरा ओ नोमी मश्ता, पार्टी देवा मतलब पार्टी में, दोन्ना मतलब कैसा, कौन सा, कैसा आमतौर पर कैसा के मीनिंग में आता है, दोन्ना डैश ओ नोमी मश्ता का, किस किस्म का
डैश पिया था, यानी किस किस्म का मशरूब पिया था, किस किस्म की ड्रिंक पिए थे, तो जवाब वो दे रहा है कि जूस और कोला वगैरह पिया था। जूस या कोरा मतलब जूस और कोला वगैरह, वो नौवीं मशता। ठीक है, तो पांच दिवस दोना मोनो आएगा यहाँ पे। हितो का मतलब कौन सा शख्स, कोतो मतलब, कोतो कहते हैं मैटर को, मामले को, मोनो चीज को कहते हैं, तो की जो है तब को कहते हैं के वक्त। तो पाथी देवा दोना मोनो नौमी मश्ता का पार्टी में कौन सी चीज पी थी, किस किस्म की चीज पी थी, कैसी चीज पी थी, तो उसने जवाब दिया जूस या कोरा ओ नौमी मश्ता, जूस और कोला वगैरह पिया था। ठीक है, ये सॉरी आपको स्क्रीन में शायद पूरा नजर नहीं आ रहा, जूस ओ कोरा ओ नौमी मश्ता, जूस या कोरा ओ नौमी मश्ता। ठीक है, जूस या कोरा ओ नौमी मश्ता। अच्छा जी, आगे चलते हैं, ये तो हो गया मोनो ओ नौमी मश्ता का। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पे। ब्यो की दे क्यो इची नीची ताबे मासेन दिश्ता, ब्यो की दे क्यो इची नीची ताबे मासेन दिश्ता। ब्यो की दे बीमारी की वजह से, क्यों इची नीची आज, इची नीची मतलब पूरा दिन, एक दिन या पूरा दिन। ब्यो की दे क्यों इची नीची ताबे मासेन दिश्ता, बीमारी की वजह से आज सारा दिन कुछ भी नहीं खाया होगा। ठीक है, जुमले जुमले के हिसाब से डैश में क्या आएगा, कुछ भी नहीं खाया। जुमला क्या है, ब्यो की दे क्यों इची नीची डैश ताबे मासेन दिश्ता, बीमारी की वजह से आज पूरा दिन डैश नहीं खाया। डैश नहीं खाया मतलब कुछ भी नहीं खाया, तो कुछ भी नहीं के लिए आप पढ़ चुके हैं नानी का, नानी मो नान देमो, ये आप लेसन में पढ़ चुके हैं। तो ये नानी मो, नानी मो का मतलब कुछ भी नहीं। ब्यो की दे क्यों इची नीची नानी मो ताबे मासेन दिश्ता, बीमारी की वजह से आज सारा दिन कुछ भी नहीं खाया। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर सेवन पे आ जाइए। डैश कुदासाई रिंगो ओ मित्सु ओ कुदासाई, ये रिंगो के बाद भी ऑब्जेक्ट ओ लगाया है, फिर मित्सु सान के साथ जब तुसु लिखा होता है तो ये मित्सु पढ़ा जाता है। इश्तोत्सु उफ्तात्सु मित्सु, ये काउंटिंग में हमने पढ़ाया है, लेसन चेक कीजिए। रिंगो ओ डैश मित्सु ओ कुदासाई, सॉरी रिंगो ओ मित्सु ओ कुदासाई। ठीक है, यानी कि तीन सेब दे दीजिए, कहना चाह रहे तीन सेब दे दीजिए। अब इसमें कौन कौन से ऑप्शन ऑप्शन है, कुदासाई का मतलब दे दीजिए, रिंगो ओ मित्सु ओ कुदासाई आएगा, या रिंगो गा मित्सु ओ कुदासाई आएगा, या रिंगो ओ मित्सु कुदासाई, या रिंगो गा मित्सु कुदासाई। रिंगो क्योंकि ऑब्जेक्ट है इसलिए ऑब्जेक्ट के बाद ओ आता है, और ऑब्जेक्ट के बाद बार बार ओ नहीं आता। रिंगो ओ मित्सु कुदासाई सेब तीन अदद दे दीजिए। हम कहते हैं तीन सेब दे दीजिए, यानी पहले गिनती लगाते हैं फिर हम नाउन लगाते हैं। जापानी जुबान में पहले नाउन लगता है फिर गिनती लिखती है, गिनती लगती है, यानी कि रिंगो ओ मित्सु कुदासाई, मित्सु रिंगो ओ कुदासाई नहीं कहा जाता, रिंगो ओ मित्सु कुदासाई सेब तीन अदद दे दीजिए। ये जापानी में काउंटिंग कहने का तरीका है, पहले हम वो चीज़ लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट है वो क्योंकि, इसलिए उसके बाद ओ लगाया और उसके बाद गिनती का मित्सु लगा दिया। रिंगो ओ मित्सु कुदासाई सेब तीन अदद दे दीजिए। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर एट पे आ जाते हैं। ओनीसान वा ओगेंकी दिस का, ओनीसान से पूछ रहा है क्या आप बीमार, आप सेहतमंद हैं क्या। ओनीसान बड़े भाई, बड़े भाई क्या आप सेहतमंद हैं। हाई ओकागे सामा दे, ओकागे सामा दे, ओकागे सामा दे का मतलब है आपके तुफैल, जी आपकी दुआओं से। जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना कि हाँ जी आपकी तबीयत ठीक है, हाँ जी अल्लाह का शुक्र है आपकी दुआओं से, तो ये ओकागे सामा दे का मतलब है आपके तुफैल। उसने पूछा आपकी, आप सेहतमंद हैं, तो उसने जवाब दिया आपके तुफैल। दूसरा क्या है, ई ए अरिगा तो नहीं शुक्रिया, कोई सेंस नहीं बनता। आह दो इताशी माचते, आ कोई बात नहीं, दो इताशी माचते आपको, जब आपको कोई शुक्रिया कहता है तब आप कहते हैं कि दो इताशी माचते, यहाँ पर आपको दो इताशी माचते कहने का कोई सेंस नहीं बनता। वो पूछ रहा है आप सेहतमंद हैं, तो आप कहेंगे नहीं कोई बात नहीं, कोई सेंस नहीं है ना। इसका चौथा है ए सुमी मासेन, हाँ आई एम सॉरी मुझे अफसोस है, यहाँ भी कोई सेंस नहीं बनता।
तो क्या होगा, हाई ओकागे सामाधि, जी आपके तुफैल। आपसे पूछा कि आपकी तबीयत अच्छी है, तो आपने जवाब दिया जी 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 आपके तुफैल मैं ठीक हूँ। सातो सांवा मो खिमश्ता का, सातो साहब क्या ऑलरेडी आ गए हैं? जवाब क्या है, ई ये खिमासैन दिश्ता, ई ये मादा दिस, हाई सो दिस, हाई मो दिस। अच्छा जी, वो पूछा सातो साहब क्या ऑलरेडी आ गए हैं क्या? आप कहें ई ये खिमासैन दिश्ता, नहीं नहीं आए अभी, खिमासैन दिश्ता नहीं लगता। जब हम कहते हैं कोई अभी तक नहीं आया, तो हम कहते हैं ई ये मादा खितेई नाई या खितेई मासैन। ये हम पढ़ चुके हैं, मादा के साथ हमेशा और किते फॉर्म के साथ नेगेटिव आता है, मादा खितेई मासैन। उन्होंने पूछा सातो साहब क्या ऑलरेडी आ गए हैं, तो उसने जवाब दिया ई ये खिमासैन दिश्ता, ये नहीं लगा सकते हम। अगर हमें ये लगाना होगा कि नहीं अभी नहीं आए, तो हम कहेंगे ई ये मादा खितेई नाई दिस या मादा खितेई मासैन। अच्छा, दूसरा क्या है, ई ये मादा दिस, नो नॉट यट, मादा का मतलब है नॉट यट, मादा दिस का मतलब है नॉट यट, तो ये जवाब सही बनता है। हाई सो दिस, हाँ ऐसा ही है। वो पूछा है कि क्या यामादा साहब आ गए क्या, ओ सातो साहब आ गए क्या, आप कह रहे हैं हाँ ऐसा ही है, कोई लॉजिक नहीं बनते, ठीक है। तो हाई सो दिस भी नहीं बनता, हाई मो दिस, हाई मो दिस तो कोई जुमला ही नहीं है। तो क्या है, ई ए मादा दिस, नहीं नॉट यट, मादा दिस का मतलब है नॉट यट। क्वेश्चन नंबर 10 में जनाब डैश एक ही करा गाको मादेवा थोई दिस का, स्टेशन से लेकर घर तक दूर है क्या? थोई मतलब दूर, ई एडजेक्टिव है, ई ए डैश, डैश में क्या है, अरुईते सांपुंदिस, नहीं, ई ए का मतलब तो हो गया नहीं, अरुईते सांपुंदिस, अरुकू का मतलब है पैदल चलना, अरुईते सांपुंदिस पैदल चलकर 3 मिनट हैं खाली, सांपुं अरुकिमस 3 मिनट चलता हूँ, अरुईते सांपुं खकारिमस पैदल चलकर 3 मिनट लग जाते हैं, सांपुं अरुईते इमस 3 मिनट पैदल चल रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें बड़ा क्लोज कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, अरुईते सांपुंदिस, आमतौर पे हम ये कहते हैं अरुईते सांपुंदिस, चल के 3 मिनट का रास्ता है। उसने कहा कि स्टेशन से घर स्कूल क्या बहुत दूर है क्या? तो उसने कहा नहीं नहीं, पैदल चलकर सिर्फ 3 मिनट है। ये तरीका है जापानी जबान में कहने का, अरुईते सांपुंदिस, ठीक है। जवाब चेक कर लेते हैं, सबमिट कर दिया हमने। इन्होंने कहा जनाब कि आप जो है नीचे कॉन्ग्रेचुलेशन कर दिया इसने, जनाब सारे जवाब हमारे सही हो गए हैं। इस पैटर्न को समझिए, इसमें कोई चीज़ ना समझ में आए मुझसे पूछ लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, अरिगतो गुज़ाइमाश्ता।